ब्रेक के बाद घूमता हुआ आईना में आपका फिर से स्वागत है। और बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। उत्तर में एक ओर सत्ता के लिए परिवार में रस्ता कशी होती रही तो उधर दक्षिण में पानी का झगड़ा आग की तरह फैला। विवाद पुराना है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वो तमिलनाडु को 20 सितंबर तक रोज 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े। आदेश का पालन तो करना ही था, लेकिन इसके साथ राज्य में बढ़ते आक्रोश को संभालना कर्नाटक सरकार के लिए कठिन चुनौती बन गया। जनता की नाराजगी की आग में घी डालने का काम राजनीतिक दलों ने बखूबी किया। हिंसक प्रदर्शन हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, बंद का ऐलान हुआ, जिससे कानून व्यवस्था तो भंग हुई ही, नुकसान भी खूब हुआ। यही हाल तमिलनाडु में रहा। व्यापारिक संगठनों और किसानों ने बंद का ऐलान किया जो प्रभावहीन रहा। लेकिन सत्ता खो चुकी डीएमके और एडीएमके, सीपीआई, सीपीएम आदि दलों का समर्थन इस बंद को मिला और कई इलाकों में नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। यह नजर आ रहा है कि ये विपक्षी दल कावेरी के पानी पर अपनी राजनीति की नाव पार लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं तो चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ।